तो चलिए, ये हमारे तमाम दर्शक जो अपने प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे थे, अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं आपकी राशिफल का। और आचार्य जी, शुरू करते हैं मेष राशि से। जी, बात कर रहे हैं मेष राशि की, तो आज बता दें कि आप बहुत मजबूती और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा करेगा। आज आप किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस सप्ताह को बरकरार आप मान प्रतिष्ठा में रखेंगे। निश्चित तौर पर वित्तीय स्थिति में आपको सुधार आएगा, लेकिन साथ ही खर्चों में भी इजाफा होगा। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो मिल बैठ के बात करें। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के। आज आपका दिन शानदार रहेगा, करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। आगे आने वाले वक्त में आप इन मौकों का सही ढंग से फायदा उठा पाएंगे। आज आपको किसी उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। सरकारी दफ्तरों में फंसा हुआ काम आसानी से आज आपका निपट सकेगा। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। आपका तल्ख बर्ताव जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में तनाव डाल सकता है। कोई भी ऐसा काम करने से पहले इसके परिणाम के बारे में जरूर सोचें। अगर मुमकिन हो तो आपका मूड बदलने के लिए कहीं और जाएं। हंसी मजाक में कहीं भी कही गई बातों को लेकर किसी पर शक करने से आपको बचना चाहिए। और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के। आज आपका दिन सामान्य रहेगा। पिता से किसी बात पर अनबन हो सकती है, उनकी बातों का बुरा ना माने बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। महिलाओं के दिन अच्छे रहेगा। जीवन साथी के साथ शॉपिंग का प्लान आज आप बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है। अपने मूल्यों को दरकिनार करने से बचें और हर फैसले तार्किक तरीके से लें। समूह में शिरकत दिलचस्प लेकिन खर्चीली रहेगी। खासतौर पर अगर आप दूसरों पर खर्च करना नहीं बंद करेंगे तो परिवार के सदस्यों का आपके लिए आपके जीवन में विशेष महत्व रहेगा, लेकिन थोड़ी बात पर अनबन हो सकती है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी। कोर्ट में लंबे समय से चल रहे मुकदमे में जीत हासिल होगी। आपका मन शांत रहेगा। शाम को दोस्तों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। आपका पूरा दिन मौज मस्ती में बीतेगा। और वही बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज गर्भवती महिलाओं को चलते फिरते समय खास ख्याल रखने की जरूरत है। अगर संभव हो तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो धूम्रपान करते हैं, क्योंकि इससे पैदा होने वाले शिशु को नुकसान हो सकते हैं। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। आज शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे। आज सरकारी दफ्तरों में फंसा हुआ काम आसानी से हो जाएगा। किसी बड़े सरकारी अधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपकी गैर यथार्थवादी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती है। आपको आश्रम डालते हुए आपके बचाव में आपका भाई आगे आएगा। आपको एक दूसरे की खुशी के लिए आप किसी सहयोग और साथ में मिलकर के काम करने की जरूरत है। और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि के लोगों के लिए आज आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। बिजनेसमैन के लिए दिन बहुत अच्छा है।
काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। ऑफिस में दिन अच्छा बीतेगा, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहकर्मी का सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, उन्हें गर्मी से बचा करके रखें। और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके दिन को खुशनुमा बना दे। अटके घरेलू कामों को अपने जीवन साथी के साथ मिलकर पूरा करने की व्यवस्था करें। और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी से विवाद हो सकता है, ये विवाद आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए जितना हो सके अवॉइड करें। आज किसी दोस्त से मिलकर आप अच्छा फील करेंगे। घर वालों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर आज मिलेगा। यह है हमारा अपना राशिफल। तो ये आज का राशिफल, जिसके जरिए अपने दिन को आप बहुत बेहतर जो है वो बना सकते हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभात, शुभ आशीष। तो चलिए इसी के साथ भाग्यफल में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।